नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है? निशा नाम है मेरा। डेरा से कब से जुड़े? मुझे डेरा से 20 साल हो गए मैम। 20 सालों में आपने कभी कुछ गलत होते हुए डेरा में देखा? बिल्कुल भी नहीं, सोच भी नहीं सकते, कभी नहीं देखा। आप कहते हो कि आपने कभी कुछ गलत नहीं होते हुए देखा, मगर मीडिया में इतनी तरीके की बातें दिखाई गई, उसके बारे में क्या कहना? देखो जी, मीडिया के तो काम है गलत बोलना या फिर अपनी वो करवाना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे डेरे में देखो, मुझे 20 साल तो हमें जाते हुए होगा, हमें कभी नहीं कुछ भी ऐसा दिखा। और मेरी बेटी है 5-7 साल, वो भी पढ़ रही है और मेरा बेटा भी वहाँ पढ़ा है, हमें आज तक कभी भी कुछ ऐसे शिकायत सुनने को नहीं मिली। और मेरी सिस्टर है, वो 25 साल से डेरे के अंदर ही रहती है, वो दिन रात वहीं रहती हैं, सेवा करते हैं, ऐसा कुछ कभी भी नहीं। मैम, गुरुजी पे कितना विश्वास है? बहुत, हद से ज़्यादा। क्या कारण? हमारे इतने दुख दर्द उन्होंने दूर किए हैं, हमारे घर में हमारी टेंशन है, हमारी बीमारी है, हमारे घर में बरकत बाद कि हमें हर प्रकार से खुशी दी है कि हम बयान नहीं कर सकते आपको। मैम, आप कहते हो कि गुरुजी ने इतना अच्छा कार्य करा, फिर उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में क्या आप कहना चाहोगे? मैम वो तो सब झूठ है, वो कट करवा दो एक मिनट के लिए मैम। बस झूठ है ये, बोलो आप। हाँ, ये सब झूठ है मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपोजिट पार्टी लगा लो, कुछ भी लगा लो, जो झूठ बना बना के जो है अभी हमारे साथ ऐसा अत्याचार करने लग रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं है मैम। मैम, लड़कियाँ जो डेरा जाती हैं कितनी सुरक्षित हैं? बहुत ज़्यादा मैम, मेरी बता रही हूँ कि मेरी सिस्टर गई हुई है वहाँ पे, 20-25 साल से वहीं पे ही रह रहे हैं, इतनी सी भी कोई बात नहीं हमने सुनी। मेरी बेटी हमने हॉस्टल में लगा रखी है, तो कभी भी कोई बात ऐसा है ही नहीं मैम। सत्संग ज़्यादा सुरक्षित है वहाँ पे। सत्संग में गुरुजी क्या क्या बुराइयाँ छुड़वाते थे? सत्संग में गुरुजी छुड़वाते हैं जी, हमारे तीन तो हमारे वचन हैं, पिताजी ने गुरुजी ने हमें बता रखे हैं कि मांस अंडा का सेवन नहीं करना, प्राय स्त्री से रहना है, और क्या नाम है, और हमें जैसे खूनदान के बारे में और साफ सफाई के बारे में हर प्रकार के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं हमारे गुरुजी। मैम, वैश्यावृत्ति को रोकने के लिए गुरुजी ने कुछ किया है? हाँ जी, बहुत कुछ कुछ है, बहुत ज़्यादा कुछ किया है वैश्यावृत्ति को रोकने के लिए। क्या किया ने? उनकी वैश्या को जो है कोठे पे से ला ला के उनकी शादियाँ भी करवा रही हैं हमारे गुरुजी। मैम, गुरुजी ने इतना समाज के लिए किया है, तो जो मीडिया में टारगेट किया गया है वो सिंगल गुरुजी को नहीं, सिंगल डेरा सच्चा सौदा को नहीं, बल्कि आप लोगों को भी एक तरीके से किया गया है। आप आज कहीं जाते हो समाज के बीच में, बताओगे मैं डेरा से जुड़े हूँ, तो वो आपके कैरेक्टर पे एक तरीके से उंगली उठाएगा। तो क्या अपील करना चाहोगे गुरुजी ये सरकार से मीडिया के बारे में, कि इस तरीके की खबरें दिखाना बंद करें या चैनलों को बंद करना चाहिए? इस तरह की खबरें दिखाने बिल्कुल बंद करना चाहिए, यह है बहुत ज़रूरी है बंद करना। आप ऐसे बताओ एक बार, एक मिनट बोलो, क्या बोलूँ थोड़ा सा। नहीं, आपको कहना है कि सरकार से यही अपील करोगे आप कि इस तरीके के चैनलों को बंद करा जाए। ठीक है, चैनल है जो हमारे जो गुरु जी के बारे में इतने जो हमारे बारे में भी गलत दिखा रहे हैं, वो आपके बारे में भी गलत दिखाया ना लोगों। ठीक है। देखो जी, मैं तो यही चाहूँगी, यही सरकार से कहना चाहूँगी कि ऐसे चैनलों को ही बंद कर देना चाहिए जो हमारे बारे में और हमारे गुरुजी के बारे में इतना कुछ बुरा बोल रहे हैं, जो हमें इतना कुछ सिखा रहे हैं बुराइयों से, हमें बचा रहे हैं बुराइयों से, और वो उनके बारे में इतना गलत दिखा रहे हैं, चैनलों को तो बंद कर देना चाहिए। मैम, समाज में गुरुजी नहीं है तो क्या लगता है आपको क्या क्या बुराइयाँ फैल रही हैं आपके आसपास, आप देख सकते होंगे? देखो, लड़कियों पे कितने अत्याचार होने लग रहे हैं, क्या हाल हो रहा है यहाँ पे लड़कियों का, और जब हमारे गुरुजी थे तो हमने तो सुना ही नहीं था ऐसा कुछ। अच्छा, और सब दोबारा से रिपीट करो ये लाइन। मैम, गुरुजी समाज के बीच में, बताओ क्या बोलूँ मैं, यही कि नशा बढ़ गया है, लड़कियों पे जो अत्याचार हैं वो बढ़ चुके हैं, बस मेनली दो ही जो बुराइयाँ हैं। ठीक है, गुरुजी समाज के बीच में अभी नहीं है तो क्या लगता है क्या बुराइयाँ जो हैं बढ़ चुकी हैं? देखो जी, नशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लड़कियों पे अत्याचार भी बहुत हो गए हैं। मैम, क्या लगता है समाज में गुरुजी को आना चाहिए? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी आना चाहिए, हम तो यही अपील करते हैं कि हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी हमारे बीच भेज दें आप। मैम, लड़कियों के लिए गुरुजी ने कुछ किया है? लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया है, जैसे कि जो माँ बाप भ्रूण हत्या करवाते थे तो पिताजी ने ऐसे ही कहा है कि आप भ्रूण हत्या मत करो, अपनी बेटियों को हमारे डेरे में भेजो। मतलब गुरुजी ने ना ही केवल भ्रूण हत्या रुकवाई, उन्हें विकल्प भी दिया, विकल्प भी दिया कि हम पालेंगे, हम पढ़ाएंगे, और जो लड़की दे के गई है वो लड़की आज नाम रोशन करने लग रही है हमारे डेरे का, खेलों में बाहर विदेशों में खेलों में जाने लग रही है, पढ़ाई में कोई डॉक्टर बना रहा है, कोई कुछ बन रही है, लड़कियों को बहुत ज़्यादा। मैम, ग्रीन हाउस वेलफेयर फोर्स क्या कार्य करते हैं? कि बहुत ज़्यादा जैसे
कोई भी दुर्घटना हो तो बजट से वहीं पहुंच जाते हैं, क्या ऐसी ऐसी दुर्घटना हो जहां नॉर्मल इंसान नहीं जाते, लेकिन हमारे गिनफल जो हमारी ये टीम है ये वहां पहुंच के बहुत मदद करती है। मैम तनख्वाह लेती है किस तरीके? नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस ये पिताजी के हमारे जो वचन हैं, जो हमारे पिताजी ने वचन करा रखे, बस उनके ऊपर ही चल के ऐसा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने कहा कि गुरुजी की ग्रीन अस वेलफेयर फोर्स कोई तनख्वाह नहीं लेती, और ऐसे ऐसे भयानक भयानक एक्सीडेंट होते हैं, आपदा विपदा आती है, उसमें भी जाके अपना जो निशुल्क कार्य करती है, एक फोर्स की तरह, एक पुलिस की तरह, एक आर्मी की तरह। फिर आखिर गुरुजी के बारे में दिखाया तो दिखाया क्यों? इन लोगों की अपील है कि ऐसे चैनलों को बंद करा जाए जल्द से जल्द, क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से हमें भी टारगेट करते हैं। जो लोग वहाँ पर जाते हैं संस्था में, उनके ऊपर भी उंगली उठाई जाती है। एक समाज सेवी संस्था के बारे में ये सब कहना, क्या गुरुजी के खिलाफ नहीं, ये उन डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों के खिलाफ भी नहीं कि जो समाज सेवा के कार्य करते हैं और उसके बाद उनके बारे में गलत दिखाया जाता है? ऐसे क्या समाज सुधर सकता है? अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।